हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजरी फैशन एंड लाइफस्टाइल। आज मैंने यहाँ पे कजरी तीज का लुक क्रिएट किया है, जैसा कि टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने यहाँ पे बनारसी साड़ी कैरी की है और थोड़ा सा मतलब बहुत सिंपल सा मैंने लुक क्रिएट किया है। अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए। और जैसा भी आपको लगे कमेंट करिए। ये है मेरा फुल लुक साड़ी में। मैंने ये ज्वेलरी यहीं लोकल मार्केट से परचेज़ की थी, लेकिन अभी ऑनलाइन भी बहुत ईजिली अवेलेबल है सारी साइट्स पे, और इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरी ये शादी की साड़ी है बनारसी सिल्क, जो कि मैंने इस लुक को क्रिएट करने के लिए यूज़ की है। ये इसका फुल लुक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये ओले का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, ओले की डे क्रीम है। इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे मैंने लगा लिया है, फेस और नेक एरिया को कवर करते हुए। कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ, और उससे आपका मेकअप फ्लॉलेस लगता है। फिर मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया, ये वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर है और ये ड्यूई काइंड ऑफ लुक देता है, विद इन काइंड ऑफ ग्लो देता है आपको, और ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपको ड्यूई लुक देता है जिससे आपकी स्किन शाइन करती है, और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है स्किन मेरी। और प्राइमर लगाने के 5 मिनट हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद मेकअप स्टार्ट कर। इसके बाद मैंने नायका का स्किन जीनियस फाउंडेशन यूज़ किया है, और ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है। इसका शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और इसको मैंने पूरे फेस पे, नेक एरिया पे डॉट डॉट करके लगा लिया है। उसके बाद मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैब डैब करके ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है, ये लो टू मीडियम कवरेज देता है, इसीलिए ये रेगुलर यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है। और हमेशा आप ब्लेंडिंग में अच्छा टाइम दें, ये मेकअप फ्लॉलेस लगने का इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद मैंने कंसीलर यूज़ किया, ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है, ये शेड लाइट। इसको मैं अंडर आइज़ पे डॉट डॉट करके लगा ले रही हूँ, ब्रिज ऑफ नोज़ पे, माउथ के अराउंड और फोरहेड पे, और आईलिड्स पे भी मैं यही यूज़ कर रही हूँ एज अ प्राइमर, आई प्राइमर। और मैंने थोड़ा सा नोज़ के अराउंड भी लगाया है। आपको जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है आप वहाँ वहाँ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, ये कंसीलर बहुत अच्छा है, फुल कवरेज देता है। और मैंने इसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ये मेबलिन फिट मी का लूज पाउडर यूज़ किया है। मैं यहाँ पे आपको वीडियो में शो करना भूल गई, और मैंने यहाँ पे अपने कंसीलर को और फाउंडेशन को सेट करने के लिए इसको यूज़ किया है। और अंडर आइज़ पे, नोज़ पे, और जहाँ जहाँ भी मैंने कंसीलर यूज़ किया है वहाँ वहाँ मैं इसको सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैंने आईलिड पे भी यही लगाया है। फिर मैंने एक ब्रश की हेल्प से अपना आईलिड के कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है अपना आई मेकअप पहले करने के लिए, आप देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लॉरियल का ब्रो आर्टिस्ट यूज़ करके अपनी ब्रोज को फिल कर लिया है। ये ब्रश उसके किट के साथ ही मिलता है, उसी सेम ब्रश की हेल्प से मैंने डार्क कलर से अपने आउटर आईब्रो को और लाइट कलर से अपने इनर आईब्रोज को फिल कर लिया है। और मैं बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज नहीं पसंद करती हूँ, इसलिए मैं बहुत लाइट हैंडेड यूज़ करती हूँ। अच्छे से आपको पूरे अपने आईब्रोज में लगा के फिर उसके बैक साइड पे स्पूली दिया रहता है, उससे मैं उसको पूरे आईब्रोज में स्प्रेड कर ले रही हूँ।
उसके बाद मैंने यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट किया है। ये मैंने हुडा ब्यूटी का आई पैलेट यूज़ किया है रोज़ गोल्ड, और ऑब्वियसली ये हुडा ब्यूटी का ड्यूप है, ओरिजिनल नहीं है। और मैंने वहाँ से ब्राउन शेड पिक करके अब इसको अपना ट्रांजिशन कलर बनाया है। और मैं जब तक मुझे डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता, मैं थोड़ा थोड़ा पिक करके अपनी ट्रांजिशन शेड की तरह इसको यूज़ कर रही हूँ। और हमेशा आप जब भी कलर पिक करें तो आप थोड़ा थोड़ा करके पिक करना स्टार्ट करें, धीमे धीमे कलर डिपॉजिट करें और उसको ब्लेंड करते जाएं। और हमेशा एक्सेस को डैप कर लेना चाहिए ब्रश से, जिससे एकदम से आप कलर बहुत सारा ना ले लें। तो मैंने भी वही सेम किया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने सेम पैलेट लिया है और यहाँ से रेड शेड पिक किया है, उसको मैं अपनी आईलिड्स पे लगाऊंगी ब्रश की हेल्प से। ये दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश है और इसको आप हमेशा कोई भी कलर पिक करिए तो पहले आउटर व्यू पे प्लेस करके अंदर की ओर ब्लेंड करिए। इससे कोई भी कलर बहुत एक्सेस नहीं होगा। और हमेशा मैंने बताया पहले भी कि हमेशा डैप कर लें एक्सेस को। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा फिंगर की हेल्प से ज़्यादा पिक कर लें, क्योंकि वो ब्रश की हेल्प से बहुत ज़्यादा पिगमेंट आ नहीं रहा था। तो मैंने फिंगर की हेल्प से, आप देख सकते हैं, पूरी आईलेट पे वही सेम कलर लगा लिया है। फिंगर की हेल्प से ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेशन आ रहा था। फिर मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड आई शेडो यूज़ किया इन द शेड 02। ये ईज़िली अवेलेबल होता है लोकल मार्केट में, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसको मैंने सेंटर से लेके इनर कॉर्नर्स तक डॉट डॉट करके लगाया है। जितना मुझे चाहिए था डिज़ायर लुक, उसी हिसाब से मैंने लगाया है दोनों आईज़ पे, ऐसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक क्लियर ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उसे मैंने जितने भी एजेस हैं उसको क्लीन कर लिया है, जिससे हार्श लाइंस ना लगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये आई लुक क्रिएट किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेड कलर पिक करके अपने आउटर वी पे प्लेस किया है, थोड़ा सा लुक कंप्लीट दिखाने के लिए। उसके बाद मैंने सेम आई पैलेट लेके और सेम रेड शेड लेके मैंने एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लैश लाइन पे वही सेम कलर को ब्लेंड कर लिया है फुलर लुक। फिर मैंने यहाँ कलर बार का आईलाइनर यूज़ किया है। फिर मैंने यहाँ पे सेम कलर बार का ब्लैक आईलाइनर बहुत ही सिंपल वे में ड्रॉ किया है, थोड़ा सा विंग किया है। और क्योंकि मैं इस लुक को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आई मेकअप भी सिंपल किया और आईलाइनर भी सिंपल ही लगा रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एस क्यू का काजल आई लव यू 2 वाला इंदी शेड ब्लैक यूज़ किया है, अपने लोअर वाटर लाइन में लगाया है, ऐसे कि आप देख सकते हैं। बाद मैंने यहाँ पे मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा यूज़ किया है। इसको आप थोड़ा सा हैंड में रब कर लें तो ये थोड़ा सा अच्छा कंसिस्टेंसी देता है, ऐसे ही मैंने किया है। और मैंने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं किया है जैसे कि मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने फॉल्स आईलैशेस नहीं यूज़ किए हैं। इसी मस्कारे का मैंने 2 से 3 कोट लगा लिया है अपने अपर लैशेस और लोअर लैशेस पे भी। फिर मैंने ये एक आई शेडो लिया है, ये विपैरा का है, मैंने ये purple.com से लिया था। ये है तो आई शेडो बट इसको मैं एज आ ब्रॉन्जर यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ब्रॉन्जिंग अभी करती नहीं हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा डर डर के मैं यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैंने बहुत लाइट हैंडेड यहाँ पे यूज़ किया है अपने फोरहेड पे और अपने होलोज ऑफ चिक पे और नोज पे भी और अपनी चिन एरिया पे। यूजुअल एरिया जो यहाँ पे कॉन्टोरिंग की जाती है मैंने वहीं पे किया है, बहुत लाइट हैंडेड मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सिवाना कलर्स का शिमर ब्रिक यूज़ किया है। इसको मैं एज आ ब्लशर और हाइलाइटर दोनों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी हम लोग को फेस्टिव लुक करना होता है तो बहुत कम टाइम होता है, इसलिए मैंने थोड़ा से प्रोडक्ट कम यहाँ यूज़ किए हैं, कोशिश की है कि कम यूज़ करें। तो ये 2-in-1 है तो मैंने इसको एज आ ब्लश और हाइलाइटर दोनों यूज़ कर लिया है अपने चीक बोन्स पे, अपने ब्रिज ऑफ नोज़ पे, क्यूपिड बो,
चिन पे और फोरहेड पे जो यूजुअल प्लेसेस होते हैं, मैंने वहाँ पे ये सेम यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिप को प्राइम करने के लिए लिप बाम यूज़ किया है, ये निविया का है। फिर मैंने यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया इन दी शेड रेड। एग्जैक्ट शेड जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल मैं वहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। इसको मैं आउटर लिप्स पे अपने लिप्स के शेप के अकॉर्डिंग लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कलर बार की ये बुलेट लिपस्टिक लगाई है, इसका शेड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और ये प्योर रेड कलर है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत अच्छा शेड आता है, ये फेस्टिव लुक में बहुत अच्छा लगता है मैरिड वोमेंस पे। और ये है मेरा फुल लुक, ये मैंने बनारसी साड़ी पहनी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिल्क बनारसी है, बनारसी सिल्क, और ये रेड कलर की है, इस पर रोज़ गोल्ड कलर का ऊपर से काम है। और ये मैंने ज्वेलरी पहनी है, ये मैंने यहाँ लोकल मार्केट से परचेज़ की थी, बट ये अब ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, एक बिंदी लगाई है और मैंने जूड़ा टाई अप किया है, क्योंकि हम लोग को पूजा में सर ढकना होता है इसलिए जूड़ा कंफर्टेबल होता है, आप देख सकते हैं। ये है मेरा फुल लुक और बहुत ही सटल सा लुक ये मैंने क्रिएट किया है, जो आप इजीली पूजा में आप कैरी कर सकते हो साड़ी पे। यहाँ पे मैंने ओपन हेयर्स रखे थे, आप चाहो तो आपको जैसा भी पसंद हो आप कर सकते हो, ओपन हेयर्स रख सकते हो या आप जूड़ा बना सकते हो। मैं जूड़ा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे सर ढकना होता है पूजा में, तो कंफर्टेबल रहता है जूड़ा बनाना। आप बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा, अगर आपको ये लुक थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो आपके लिए या थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आगे भी बनाती रहूँगी। और आपको कोई भी वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा वीडियो देखना पसंद है। तो फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन बाय, सी यू सून। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, बाय।